ओवर टाइम उन्होंने उन प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करवाया और 17 प्लॉट्स को 100% प्रॉफिट में बेचा, और ऐसे उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट करी सिर्फ एक डिसिप्लिन से कि उनको रोज 500 रुपए का केवीपी खरीदना है। किसान विकास पत्र है तो बहुत अंडररेटेड बट बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है अगर आपको अपना पैसा डबल करना है तो। ये लॉन्च तो 1988 में हुए थे और जोधपुर में रहने वाले प्रदीप जी, जिनकी 1990s में इलेक्ट्रिकल रिपेयर की शॉप थी, जो बाय द वे आज भी है, उन्होंने डिसाइड किया। यार काफी टाइम हो गया, मतलब 91 के आसपास की बात है। ऐसा है, मैं डेली 500 रुपए खरीदता था। अच्छा, 91 से लगातार 99 तक आप हर दिन लेते रहे? हर डे। उनकी दुकान पर रोज एक एजेंट आता था जिसको वो 500 रुपए देते थे, और अगले दिन वो एजेंट 500 रुपए का किसान विकास पत्र उनको खरीद कर ला कर दे देता था। और उस टाइम पर केवीपी हर 5 साल में पैसा डबल करता था, तो जो केवीपी उन्होंने आज खरीदा वो 5 साल बाद डबल पैसा दे देगा, और वो हर रोज 500 रुपए के केवीपी खरीद रहे थे। तो 5 साल बाद उनको हर रोज 1000 रुपए मिलना स्टार्ट हो गए। तो आपको 1000 रुपए मिल रहा था, 1000 ही वापस उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो वापस वो जब आपका 8 साल के बाद में जब वापस रिटर्न आएगा तो आपको पर डे 2000 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेली जैसे 2000 आने लगे अपने पास, तो एक महीने में कितने हो गए? 60,000। 60,000 के अंदर कूड़ी के अंदर एक 20-40 का प्लॉट मिलता था, वो खरीद लो। हाँ, 17 प्लॉट खरीद लिए ऐसे करके। ओवर टाइम उन्होंने उन प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करवाया और 17 प्लॉट्स को 100% प्रॉफिट में बेचा, और ऐसे उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट करी सिर्फ एक डिसिप्लिन से कि उनको रोज 500 रुपए का केवीपी खरीदना है। अब जरा आप सोचिए कि अगर आप हर साल केवीपी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप हर साल 50,000 रुपए का एक केवीपी खरीद लेते हैं, तो वो मैच्योरिटी के बाद आपको 1,00,000 रुपए देगा। बट क्योंकि आप केवीपी हर साल खरीदे जा रहे हैं, तो हर एक केवीपी अपनी अपनी मैच्योरिटी के बाद आपको हर साल 1,00,000 रुपए देगा। तो आप अपने फ्यूचर में एक ईयरली इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप आज डिसिप्लिन से केवीपी खरीदेंगे हर साल। तो आज मैं आपको केवीपी की पूरी जानकारी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, और फाइनली आपके हाथों में केवीपी सर्टिफिकेट कैसे आएगा। तो किसान विकास पत्र एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट है जो पहले किसानों के लिए जारी किया था, बट अब वो सबके लिए ओपन कर दिया गया है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन इंसान इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अगर 18 साल के ऊपर हो तो आप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट खरीद सकते हो, और अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट के नाम पर भी खरीद सकते हो। बट अगर आपका HUF है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर अगर आप NRI हो, तो आप ये नहीं खरीद सकते। ये आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक से मिल जाएगा। इसके टेन्योर और इंटरेस्ट को समझते हैं। तो केवीपी का ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा डबल करके ही लौटाएगा वो आपको। तो पैसा कितने टाइम में डबल होगा वो उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो पैसा कम टाइम में डबल होगा, और इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो पैसा ज़्यादा टाइम में डबल होगा। और इसका इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं रहता है, ये हर क्वार्टर के लिए डिसाइड किया जाता है। तो करंट क्वार्टर में ये चल रहा है 6.9%, पिछले क्वार्टर में ये चल रहा था 7.7%। ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि अभी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखें तो ये 7.7, 7.8, 7.6 के आसपास ही चलता था। तो उसके हिसाब से आपका पैसा 112 महीनों में डबल हो जाता था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार आपने अगर एक इंटरेस्ट रेट पे केवीपी खरीद लिया है, तो उस केवीपी के लिए वो इंटरेस्ट फिक्स मान लिया जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता। ये जो इंटरेस्ट चेंज होता है, ये हमेशा नए केवीपी खरीदते समय आप पे लागू होता है। तो आप खरीदते समय ही ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट पे आपने खरीदा है, और उसके बेसिस पर कब आपको इसका रिडेम्पशन मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए, और आप इसको 1000, 5000, 10000 या 50000 के डिनोमिनेशन में ही खरीद सकते हो। एग्जाम्पल से बताऊं तो अगर आपको 68,000 का सर्टिफिकेट खरीदना है, तो आपको एक खरीदना पड़ेगा 50,000 का, एक खरीदना पड़ेगा 10,000 का, एक खरीदना पड़ेगा 5,000 का, और 3 खरीदने पड़ेंगे 1000-1000 के, तब जाके आप 68,000 का इन्वेस्टमेंट केवीपी में कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपना पैन कार्ड बताना पड़ेगा, और अगर आप 1,00,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करोगे एक ही बार में, तो आपको अपना ITR का प्रूफ भी फर्निश करना पड़ेगा, जो ऑब्वियस सी बात है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना आसान रहे कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वो छोटा सा फॉर्म भरें और फटाक से सर्टिफिकेट ले आएं, इसकी वजह से ये सर्टिफिकेट में कैश से इन्वेस्ट करना भी पॉसिबल है, या फिर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको केवीपी के कुछ टाइप्स बताता हूं जो आपको जानने थोड़े ज़रूरी है। आप या तो सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिसमें आप अपने नाम पर एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, या फिर किसी माइनर के बिहाफ पर वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, और जब वो मेजर हो जाएगा तो वो उसके नाम हो जाएगा। आप जॉइंट टाइप ए सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, जो 3 लोग मिलकर साथ में ले सकते हैं, और मैच्योरिटी के बाद उनको जॉइंटली पेमेंट हो सकता है। या फिर आप
जॉइंट टाइप बी सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, जिसकी मैच्योरिटी पर किसी एक इंसान को या फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको वो पेमेंट जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस पर कमाने वाला इंटरेस्ट दोनों ही मैच्योरिटी पर टैक्सेबल होगा। आप इसमें कोई टैक्स सेव नहीं कर पाएंगे, जो यूजुअली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में प्रोवाइड किया जाता है सेक्शन 80C के अंदर, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसको अगर आपको इनकैश करवाना है तो उसी पोस्ट ऑफिस या उसी बैंक में आपको करवाना पड़ेगा जहां से आपने इसको इशू करवाया था। आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्म में संभाल के भी रखने हैं। इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल भी अवेलेबल है। आपको 30 महीने यानी 2.5 साल तक अपना पैसा लॉक इन रखना है, उसके बाद आप KVP को विड्रॉ भी करवा सकते हो। उस समय तक जो भी इंटरेस्ट उस पर बनेगा वो आपको मिल जाएगा। कौन से साल उसको इनकैश करवाने पर आपको कितना पैसा मिलेगा, इसकी पूरी टेबल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपको अपने केवीपी पर कितना पैसा मिलेगा अगर आप उसको मैच्योरिटी से पहले इनकैश करवाते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेट फ्यूचर में चाहते हैं कि कंटिन्यू ना करें और आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उसके भी मैं आपको केसेस बता देता हूँ। पहला केस है, अगर सर्टिफिकेट होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके वारिस को या उसके नॉमिनी को वो ट्रांसफर हो सकता है। ये सर्टिफिकेट आपके नाम से कोर्ट को भी ट्रांसफर हो सकता है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो। अगर सिंगल होल्डर है और उसको ज्वाइंट होल्डर्स के नाम पर ट्रांसफर करवाना है तो वो भी हो सकता है। अगर कुछ ज्वाइंट होल्डर्स हैं और उनको कुछ दूसरे ज्वाइंट होल्डर्स के नाम पर ट्रांसफर कराना है तो वो भी हो सकता है। और ज्वाइंट होल्डर्स एक सिंगल होल्डर को भी ये ट्रांसफर करवा सकते हैं। मैंने आपको लोन के बारे में बताया था कि आप इसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। तो लोन का अमाउंट डिपेंड करेगा कि कितने सालों से आपने वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होल्ड कर रखे हैं और आपके पास कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा लोन ले सकते हैं, और लोन की मैच्योरिटी आपके सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी से कम ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्टिफिकेट 5 साल में मैच्योर हो रहा है और आपको 10 साल का लोन मिल जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूँ NSE यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और KVP यानी किसान विकास पत्र के बीच में। तो पहला पॉइंट आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। NSE में इन्वेस्टमेंट और भी कम है, आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि KVP में इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों में कोई भी लिमिट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो NSE में अभी चल रहा है 6.8% और KVP में चल रहा है 6.9%। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों केसेस में ही सारे इंडिविजुअल्स इसको खरीद सकते हैं, बट केवीपी के केस में ट्रस्ट भी खरीद सकता है, NSE के केस में ट्रस्ट नहीं खरीद सकता है। टेन्योर की बात करें तो NSE 5 साल में मैच्योर हो जाता है और KVP 10 साल में मैच्योर होता है। अगर टैक्स डिडक्शन की बात करें तो NSE में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 80C के अंदर, बट इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। बट KVP के केस में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों ही टैक्सेबल है, आप अपना टैक्स नहीं बचा सकते। NSE के केस में कोई प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। अगर आपको पैसों की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी तो आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते 5 साल से पहले। बट KVP के केस में आपको 2.5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन दोनों को ही गिरवी रख के लिया जा सकता है और दोनों ही केस में आप इसको रिन्यू नहीं करवा सकते। 10 साल 4 महीने बाद अगर KVP मैच्योर हो गया तो उसका टेन्योर आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। और NSE के केस में भी अगर 5 साल बाद आपका पैसा मैच्योर हो गया है तो उसको आप और एक्सटेंड नहीं करवा सकते, यानी ऑटो रिन्यूअल दोनों में ही नहीं है। KVP का फॉर्म कैसे भरते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। लेबर लॉ एडवाइजर ने एक न्यूज़लेटर प्रिपेयर किया है जो आप सभी लोगों को निःशुल्क यानी मुफ्त में आपके ईमेल पर महीने में 2 बार भेज दिया जाएगा। और ये न्यूज़लेटर बहुत ही यूनिक है, ये फोकस्ड रहेगा लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी न्यूज पर, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और क्योंकि हो सकता है आप लोग महीने भर की न्यूज का ट्रैक ना रख पाएं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है आपसे कि हम वो सारी खबरें जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम की हैं वो आपको मंथ में 2 बार पहुंचाया जाए। तो अगर आपको ये न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना है तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दे रखा है वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको indiapost.gov.in के इस वाले वेब पेज पर जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और जहां पर देखिए लिखा है सेविंग बैंक, उस वाली लिस्ट में पहला फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट आपको डाउनलोड करना है इस वाले बटन पे क्लिक करके। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पे इन स्लिप का फॉर्म भी दिखेगा, वो भी आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए ये ऊपर की जो चीजें हैं ये आप अपने पोस्ट ऑफिस जाकर ही भरिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें से काफी कुछ तो आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं। जैसे CIF नंबर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का ही होता है, आपका तो अकाउंट अभी तक खुला ही नहीं है KVP में तो CIF नंबर नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का होता है, मतलब ये फॉर्म भर के जब आप सबमिट कर दोगे और आपका अकाउंट जब खुल जाएगा
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो हम आते हैं सीधा नीचे। यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट तीन लोग जॉइंटली मिलकर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर तीन लोगों की फोटो लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप सिंगल होल्डर हैं तो एक ही फोटो लगा दीजिए, और तीन लोग लेना चाहते हैं तो तीनों लोगों की फोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। उसके बाद देखिए, सिंपल सा पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आएगा। अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, या फिर आप किसी माइनर यानी किसी बच्चे के बिहाफ पर किसान विकास पत्र ले रहे हैं और आप उसके गार्डियन हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, और अगर तीन लोग हैं तो कॉमा लगा लगा के अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड वाले ब्लैंक में आपको अकाउंट का टाइप चूज करना है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवा रहे हैं, सेविंग्स खुलवा रहे हैं, आरडी खुलवा रहे हैं, एससीएसएस खुलवा रहे हैं, या फिर केवीपी खुलवा रहे हैं। केवीपी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप केवीपी पर टिक भी कर दीजिए और यहाँ पर केवीपी अपने पेन से लिख भी दीजिए। उसके बाद देखिए 1, 2, 3 में कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लिखा है चेकबुक रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा ही नहीं रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, अकाउंट होल्डर टाइप में सेल्फ या फिर माइनर थ्रू गार्डियन या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रू गार्डियन। मतलब अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो सेल्फ कर दीजिए, अगर आप किसी माइनर के लिए ले रहे हैं और आप उसके गार्डियन हैं तो सेकंड वाले पे जाइए, और अगर आप किसी अनसाउंड माइंड के इंसान के लिए केवीपी ले रहे हैं गार्डियन बनके तो आप थर्ड वाले के लिए जाएं। अब ये अनसाउंड माइंड क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, अगर वो मेंटली चैलेंज्ड हो, उसके लिए अगर आप केवीपी ले रहे हैं तो तीसरे पे जाइए। अब देखिए, अकाउंट टाइप आप चूज कर सकते हैं सिंगल, जॉइंट बी या जॉइंट ए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है छोटी सी, इसमें लिखा है इन केस ऑफ अकाउंट ओपन्ड इन द नेम ऑफ माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर आप माइनर का या अनसाउंड माइंड पर्सन का अकाउंट खोल रहे हैं तो उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे नेम ऑफ माइनर यहाँ पर डालना है आपको, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में मेल फीमेल या अदर आपको लिखना है, और नेम ऑफ द गार्डियन यानी आपका नाम अगर आप गार्डियन है तो, और आप उनके क्या लगते हैं। और सेकेंड में लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रूफ ऑफ एज, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो आप उसकी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट कौन सा है और डॉक्यूमेंट का कौन सा नंबर है। उसके बाद देखिए नंबर सेकंड में लिखा है आई या वी टेंडर हेयर विद रुपीज, यानी आप अपना पहला केवीपी सर्टिफिकेट कितने रुपए का खरीदना चाहते हो वो आपको नंबर में लिखना है। उसके बाद आपको उसी के राइट में वर्ड्स में भी लिखना है, फिर लिखना है इन कैश, डीडी या चेक। अगर आप कैश के थ्रू दे रहे हो तो कैश पे टिक लगा दो, डीडी के थ्रू दे रहे हो तो डीडी को टिक लगा दो, और चेक दे रहे हो तो चेक का नंबर और चेक का डेट यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको अपनी डिटेल लिखनी है, अगर एक ही एप्लीकेंट है तो एक की डिटेल, या फिर तीनों है तो तीनों की डिटेल, नेम, नेम ऑफ हस्बैंड फादर या मदर, तीनों में से किसी एक का जाएगा, जेंडर मेल फीमेल अदर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ जाएगी, काफी सिंपल है। उसके बाद आधार और पैन नंबर डालना है आपको, उसके बाद CIF ID आपको खाली छोड़ना है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए ही होता है। फिर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो सेम एज अबव भी लिख सकते हो परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम पे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको दो डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं, एक है आईडी प्रूफ और एक है एड्रेस प्रूफ। अगर आप दोनों में ही अपना आधार डाल देंगे तो काम हो जाएगा, बट अगर आप आधार नहीं डालना चाहते तो देखिए यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जॉब कार्ड इशूड बाय मनरेगा, साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, या फिर लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 दिया हुआ है। एक एप्लीकेंट को सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में अपने तीन सिग्नेचर डालने हैं, फिर दूसरा एप्लीकेंट सेकंड वाले में डालेगा और तीसरा एप्लीकेंट तीसरे वाले में डालेगा, और उसके नीचे अपना नाम भी लिखना है। उसके बाद डिक्लेरेशंस आ गए यहाँ पे कुछ जो आपको आई अग्री करना है। इसमें से ज्यादातर डिक्लेरेशन केवीपी से रिलेटेड है ही नहीं तो आप उनको छोड़ सकते हैं, जैसे ये SSA वाला, PPF वाला, MIS वाला, या फिर फॉर्म जमा करते वक्त अगर आपको पोस्ट ऑफिस वाले लोग बोले कि आप इसको भी डिक्लेयर कर दीजिए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करना काफी जरूरी है और इसको ढंग से फाइल करना है। उससे जस्ट पहले आपको देखिए यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में अपने यहाँ पर साइन भी करने हैं, फिर आप नॉमिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है आई हेयर बाय नॉमिनेट, यानी आप सबसे पहले वाले ब्लैंक में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो ब्लैंक है क्रेडिट इन के बाद वाला, वहां पर आपको नेम ऑफ स्कीम लिखना है और आप अभी केवीपी खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवीपी लिखना है। उसके बाद देखिए इस टेबल पे आप अप टू 4 नॉमिनी भर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी एब्सेंस में ये पैसा 4 लोगों को मिले तो आप चारों का नाम यहाँ पर लिख दीजिए लेफ्ट में, यहाँ पर लिख दीजिए एड्रेस, उसके राइट में आधार नंबर उनके। अब यहाँ पे ऑप्शनल जरूर लिखा हुआ है बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उनके आधार नंबर अभी से भर दीजिए, क्योंकि 5 साल 7 साल बाद जब ऐसा मौका आएगा कि नॉमिनी को वो पैसा निकलवाना पड़ रहा है उस समय वो प्रोसेस डिले नहीं होना चाहिए, तो आप आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, अगर आप किसी बच्चे को नॉमिनी बना रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी जरूरी है। और शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट में आप परसेंटेज डिसाइड
डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंसान को कितना परसेंट आपका पैसा जाना चाहिए। तो आप चाहें तो सबको बराबर रख सकते हैं 25% पे, या फिर अपने मनपसंद परसेंटेज चूज कर सकते हैं। और नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट में आप ट्रस्टी या ओनर दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेंट ने मान लो अगर किसी बच्चे को नॉमिनी बनाया है, अभी वो माइनर है, और एप्लीकेंट की ऐसे में डेथ हो जाए और वो नॉमिनी अभी भी माइनर है, वो 18 साल के ऊपर का नहीं हुआ है, तो उस केस में पैसा भले ही नॉमिनी को जाना चाहिए बट माइनर को पैसा रिसीव नहीं करवाया जा सकता। तो उस केस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि तब तक के लिए वो पैसा किसके पास जाए। तो देखिए, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में यही लिखा है, एज द नॉमिनी एट सीरियल नंबर, अभी आपने 1, 2, 3, 4 में से कौन से नंबर पे माइनर को रखा है वो नंबर यहाँ पे आप डालिए। जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर पे जो नाम लिखा है वो माइनर का है, तो आप यहाँ पर 3 डाल दीजिए। स्पेसिफाइड अबव इज माइनर आई अपॉइंट, यहाँ पर आपको किसी इंसान को अपॉइंट करना है कि इन केस एप्लीकेंट की डेथ हो जाए, उसका पैसा नॉमिनी को जाना चाहिए बट नॉमिनी खुद ही 18 साल से कम है, तो उस केस में किस इंसान को पैसा जाना चाहिए और वो इंसान सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ किसके हैं, वो नाम आपको यहाँ पर राइट में लिखना है। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है और यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 पे 2 विटनेस के सिग्नेचर करवाने हैं उनका नाम और एड्रेस सहित। उसके बाद प्लेस में अपने सिटी का नाम लिख दीजिए या विलेज का नाम लिख दीजिए, और डेट में उस दिन की डेट डाल दीजिए जिस दिन आप पोस्ट ऑफिस में ये फॉर्म देने वाले हैं, और सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद नीचे वाला पार्ट आपको कोई मतलब नहीं है, ऑफिस यूज़ के लिए है। अब मैंने आपको बोला था आपको एक पे स्लिप भी डाउनलोड करके भरनी है, ये पे स्लिप आपको पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगी अगर आप वहीं खड़े होकर भरना चाहते हैं तो। ये बिल्कुल बैंक की डिपॉजिट स्लिप जैसी है। अब क्योंकि आप किसान विकास पत्र खरीद रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये, 5,000, 10,000 कुछ अमाउंट तो पे करेंगे, उसके बदले मिलेगा, तो वो अमाउंट अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैश के हिसाब से इसको पूरा भर दीजिए। अकाउंट नंबर खाली छोड़ना है क्योंकि अकाउंट नंबर आपको अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे इन बॉक्सेस में आपको KVP सेलेक्ट करना है और बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसे बैंक में पैसा जमा कराते हैं वैसे आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। और अगर आप चेक के थ्रू जमा करा रहे हैं तो चेक का नंबर और डेट आपको लिखना है। इसके साथ आपको अपना पैसा या चेक सबमिट करना है, और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसके साथ साथ आपको अपना ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों लेकर जाने हैं फोटोकॉपी। अगर आपको लगता है कि लेबर लॉ एडवाइज़र आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के हमें बताएं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे वीडियोस क्रिएट करने का। और अगर आप फ्यूचर में कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम था मनदीप, आप देख रहे थे लेबर लॉ एडवाइज़र।